हम लोग जब एक समान रूप से संगठन को समझते हैं, तो समान रूप से संगठन का मतलब यही होता है कि हम लोग एक ऐसा समूह जो क्या करें जिसमें बहुत लोग एक साथ शामिल हो, उसको हम लोग संगठन कहते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि समूह संगठन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोग में से बहुत लोग जो होंगे अपने अपने लोकेलिटी में कोई ना कोई आपके जो है घूमने का कोई स्पॉट होगा, घूमने का कोई जगह होगा। जब आप उस जगह पे घूमने के लिए जाते हैं या एक नॉर्मल सा आप जो है एक मेले का कुछ जो है एक कल्पना कर लीजिए, मेला में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पे जो बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, लोगों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, और उसमें आप भी होते हैं, तो बताइए क्या वो संगठन है? क्योंकि आप लोगों ने जितने लोगों ने बोला सबके सब जो है यही बताया कि ग्रुप, सबने बताया समूह। समूह जो है संगठन है, समूह जो है संगठन है, सामूहिक रूप से काम करना संगठन है, सबने यही बताया। तो ऐसा तो वो संगठन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगठन होने के लिए क्या जरूरी है? समूह जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जरूरत है? ये समूह जो कार्य करें वो किसके लिए करें? सामूहिक उद्देश्य के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए करें। जब क्या होगा, पूरा का पूरा समूह मिल करके एक काम को एक ही उद्देश्य के लिए जब करता है, हाँ लक्ष्य एवं उद्देश्य जो होता है उसका जो है सिंगल होता है, उसी को प्राप्त करने के लिए जब सबके सब एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं तालमेल बैठाते हुए, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को संगठन कहते हैं। ये एक ओरिजिनल मीनिंग है संगठन का।